अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से स्कीम्स हैं जो इनको सॉल्व करती है और किस तरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या है? दिस ये रेफर्स, ये एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? सो द इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग, किस चीज़ को आपने अप्रोक्सीमेट करना है, द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव। तो आप डेरिवेटिव के वैल्यू को ऑफ अ फंक्शन उसको आप अप्रोक्सीमेट करते हैं, और ये कहाँ पे करते हैं? एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट कहाँ होगा? ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और इसमें क्या करते हैं? बाय यूजिंग द फंक्शन वैल्यूज एट सम डिस्क्रीट पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आपके पास u ऑफ x वो फंक्शन है, ठीक है, और आपके पास हम डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं एक्स आई और h क्या है, स्टेप साइज है स्मॉल h क्या है, स्टेप साइज है डिस्क्रीट पॉइंट्स का, ठीक है, देन जो डेरिवेटिव है ऑफ द फंक्शन u एट एक्स आई उसको डिफाइन करते हैं, उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं इस डेफिनेशन से कि h अप्रोचेस टू जीरो, h इज अ स्मॉल वैल्यू, स्टेप साइज h माइनस u ऑफ एक्स आई एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, इसको डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसमें आप अप्रोक्सीमेट करते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव को, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, या इसको डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स क्या हैं बेस्ड ऑन फाइनाइट डिफरेंस? लेट्स राइट डाउन द टाइप्स। डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट करना कौन कौन से फाइनाइट डिफरेंस स्कीम से इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? तो पहली क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इसी तरह आप बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप फंक्शन के डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और थर्ड है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज। ठीक है, सो दीज आर बेस्ड ऑन द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव। इसी तरह इसके बाद जो फाइनाइट डिफरेंस स्कीम्स हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल, उनको हम डिराइव कैसे करते हैं? तो उसकी जो डेरिवेशन है आप टेलर सीरीज से कर सकते हो, टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। इसे हम
इन फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह आप पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन से भी इनको डिराइव कर सकते हैं। एंड थर्डली यू कैन यूज़ अनडिटरमाइंड और अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। To derive these formulas, ठीक है, क्या strategies हो सकती हैं कि आप ये जो estimation करें derivatives का कि इनको improve किया जाए। ठीक है, तो एक जो improvement का strategy, एक improvement की strategy क्या है कि जो आपके derivative जिसको आप approximate करें, ये approximation अच्छी हो जाए, तो उसकी एक strategy क्या है कि आप use करें small step size, स्मॉलर स्टेप साइज। तो स्टेप साइज स्मॉलर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन क्या होगी, मज़ीद क्या होगी, रिफाइन होगी, एक्यूरेट होगी। इसी तरह हायर ऑर्डर फार्मूलाज का अगर आप यूज़ करेंगे तब भी अप्रॉक्सीमेशन अच्छी होगी। और थर्ड, रिचर्डसन्स एक्सट्रापोलेशन, तो एक्सट्रापोलेशन को भी यूज़ करके एक्यूरेसी या अप्रॉक्सीमेशन को मज़ीद रिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह अब बात करते हैं इनके डेरिवेशन की और ट्राई करते हैं डिराइव करने की। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर टू पॉइंट्स। सो डिराइव फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला और अप्रॉक्सीमेशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ अ फंक्शन। तो उसके लिए अब क्या करते हैं, टेलर सीरीज को यूज़ करते हैं। सो आपके पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ यू ऑफ एक्स एट एट पॉइंट और अबाउट दैट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, वो क्या होगा, दैट मीन्स फॉर यू एक्स आई प्लस वन, यू एक्स आई प्लस एच होगा। ठीक है, तो इसके अबाउट आपने फाइंड आउट करना है जो आपका पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू एक्स आई के अबाउट है, तो यू एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस एच, हमने पहले डिफाइन किया हुआ था, एच इज अ स्मॉल स्टेप साइज। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगी, एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस एच यू प्राइम एक्स आई प्लस एच स्क्वायर टू फैक्टोरियल u double prime xi plus other terms, right? अगर हम सारी terms को u वाली terms को इधर रहने दें, u prime of xi, इस पूरी term को यहाँ रहने दें, ठीक है, इस सब को h पर divide कर दें, तो यहाँ से h ख़त्म हो जाएगा। अगर h पर divide कर दें यहाँ से h ख़त्म हो जाएगा, इसको एच पर डिवाइड कर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इसको एच पर डिवाइड कर दें और इसको एच पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास यू प्राइम क्या रह जाएगा, इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा यू एक्स आई प्लस वन माइनस
यू एक्स आई डिवाइड बाई एच, और ये जब इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस वन ओवर टू एच यू डबल प्राइम ऑफ एक्स आई हो जाएगा, और बाकी टर्म्स का हम ट्रंकेट कर देते हैं। सो दिस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स आई इज इक्वल्स टू यू एक्स आई प्लस वन माइनस यू ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एच, और ये जो टर्म है इसको आप लिख सकते हैं बिग ओ ऑफ एच, मीन्स द ऑर्डर ऑफ दिस मैथड इज बिग ओ ऑफ एच। ठीक है, जो h की पावर होती है दैट डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ द मैथड, कि कितने टाइम में कितना कैसे ये मैथड कन्वर्ज करेगा, तो ये h पावर वन में कन्वर्ज करता है। इसको कहते हैं लीनियर कन्वर्जेंस, जितनी x की पावर होती है उतनी उस मैथड की कन्वर्जेंस होती है, तो इसकी कन्वर्जेंस क्या है, लीनियर। अगर h की पावर टू हो तो कन्वर्जेंस क्या होगी, क्वाड्रेटिक, और इसी तरह बाकियों के लिए। ठीक है, तो टेलर सीरीज से आप सिंपली जो फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है डेरिवेटिव की, वो ये है कि यू प्राइम ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वन माइनस यू आई यू एक्स आई डिवाइड बाई एच। ठीक है,